नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 8:44 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज 18 जुलाई 2024 बृहस्पतिवार का दिन है। आज ज्येष्ठा नक्षत्र शुक्ल योग तथा ववकरण है। आज चंद्रमा का राशि संचार सारे दिन वृश्चिक राशि से रहेगा। आज राहु काल दोपहर 1:03 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। आज यम घंटक योग प्रातः 6 बजे से प्रातः 7:30 तक रहेगा। किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए राहु काल तथा यम घंटक योग, इन दोनों समय का त्याग करना चाहिए। नए व्यापारिक कार्य को आरंभ करने के लिए आज शुभ नाम का चौघड़िया मुहूर्त प्रातः 5:38 से प्रातः 7:19 तक रहेगा। आज पश्चिम तथा उत्तर दिशा की यात्रा करना कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह तथा मेडिकल जांच के लिए शुभ समय दोपहर 12:25 से दोपहर 2:42 तक रहेगा। कॉरपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए एवं एडवोकेट से मिलने हेतु शुभ समय दोपहर 12:28 से दोपहर 2:43 तक रहेगा। अब बात करते हैं आकाश में ग्रहों के आज के गोचर की। सूर्य, चंद्रमा तथा ग्रहों के इसी गोचर के आधार पर नित्य राशियों की प्रेडिक्शन की जाती हैं। आज सूर्य, बुध व शुक्र ग्रह कर्क राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, बृहस्पति व मंगल ग्रह वृष राशि में, शनि ग्रह कुंभ राशि में, राहु ग्रह मीन राशि में, केतु ग्रह कन्या राशि से भ्रमण करेंगे। अब देखते हैं आज के 12 राशियों के राशिफल की। मेष राशि वालों, आज का दिन शांत मन व सेवा कार्यों में गुजारने का दिन है। राशि से अष्टम चंद्रमा का नीच राशि से भ्रमण मानसिक उद्वेग को पैदा कर सकता है। करीबी की तरक्की को देखकर आपके अंदर ईर्ष्या तथा जलन की भावना उत्पन्न हो सकती है। दिन की शुरुआत पशु पक्षियों को दाना पानी देकर करें। सोना, चांदी, शेयर, प्रॉपर्टी, बैंक FD में निवेश करने का शुभ दिन नहीं है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग से जुड़े लोगों को नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार में स्थायी अर्थ लाभ आने की संभावनाएं हैं। धन में आई कमी की समस्या दूर होगी। लव लाइफ में आत्मीयता व रोमांस बना रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन शांत व रिलैक्स मन से गुजारने का दिन है। राशि से चंद्रमा का छठे घर से नीच राशि में भ्रमण शुभ नहीं है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। नौकरी में बदलाव का उचित समय नहीं है। नया बिजनेस शुरू करने या पुराने के विस्तार का भी शुभ समय नहीं है। प्रॉपर्टी संबंधी डील में आज पेशगी ना दें। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं को ला रहा है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कन्या संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। बाहर का खाना व जंक फूड को अवॉइड करें। तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए धूम्रपान छोड़ना बेहतर रहेगा। पुराने संबंधों में आगे बढ़ने से पहले एक दूसरे को समझने का मौका दें। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन माताजी या मदर इन लॉ के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। किराए के फ्लैट से अपने फ्लैट में जाने का सही समय नहीं है। भाइयों के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ऑफिस में सारा दिन संतुष्टि भरा रहेगा। बेरोजगारों की सरकारी विभाग में नौकरी लग सकती है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन नई आशा को लेकर आ रहा है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उत्साह तथा पराक्रम बढ़ा रहेगा। विद्यार्थियों का मैनेजमेंट, अर्थशास्त्र व सांख्यिकी के कोर्सों में एडमिशन लेना शुभ रहेगा। पारिवारिक मामलों में ज़्यादा इन्वॉल्व होना
अच्छा नहीं है। जॉब में प्रमोशन की संभावनाएं हैं। ससुराल पक्ष से महंगा उपहार या अर्थ लाभ मिल सकता है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन पहले से बेहतर रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पारिवारिक सदस्यों के सहयोग के कारण आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, व्यापार में नई ग्रोथ दिखाई देनी शुरू होगी, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंधित व्यापार शुरू ना करें। दर्शन, वास्तु तथा ज्योतिष को सीखने में इच्छा उत्पन्न हो सकती है। बेरोजगार युवतियों को होटल इंडस्ट्री में नौकरी मिलने की संभावनाएं हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी व जागरूकता से बिताने का दिन है। मनोस्थिति डामाडोल हो सकती है। आत्मविश्वास व कार्य करने की इच्छा में कमी आ सकती है। भूमि संबंधित विवाद हो सकता है। व्यापार में कोई साझेदारी छोड़ने का फैसला कर सकता है। कोई बड़ा निर्णय आज ना लें। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार रुद्राक्ष की माला पर जाप करना शुभ रहेगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव को ला रहा है। मनोस्थिति कमजोर रह सकती है। कारोबार में उचित सफलता न मिलने से तनाव महसूस कर सकते हैं। अनचाही यात्रा पर ऑफिस के कार्य से जाने की संभावनाएं हैं। घर के तनाव के कारण एक्स्ट्रा मैरिटल संबंधों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऑफिस में इच्छा विपरीत दूसरे विभाग में ट्रांसफर हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला प्रभाव ला रहा है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन बड़ी बहन या भाई के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। ऑफिस में किसी के साथ पढ़ने संबंध बन सकते हैं। संतान का विदेशी यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन हो सकता है। कुंभ राशि वालों का आज शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन ऑफिस में किसी उलझन या कन्फ्यूजन के शिकार हो सकते हैं। प्रैक्टिकलिटी अपनाने से ऑफिस कार्य को ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से कर पाएंगे। नेगेटिविटी क्रिएट करने वाले दोस्तों का साथ छोड़ना बेहतर रहेगा। उधार देने से तथा लेने से बचें। ऑयल कारोबारियों को अर्थ लाभ की संभावनाएं हैं। मीन राशि वालों के लिए आज के दिन नया उत्साह तथा आशा लेकर आ रहा है। ऑफिस में कार्य का दबाव रहेगा। ससुराल पक्ष में शादी या अन्य समारोह में जाना पड़ सकता है। आज सारे दिन भाग्य का साथ रहेगा। मकान या फ्लैट का रुका हुआ रेनोवेशन दोबारा शुरू हो सकता है। छोटे भाई को करियर में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। बात करते हैं आज के वास्तु ज्ञान की। वास्तुशास्त्र में धन, सोना, आभूषण कहाँ रखें, यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उत्तर दिशा को धन देने वाली दिशा कहा जाता है। फ्लैट, भवन, दुकान या ऑफिस में नकदी, आभूषण, तिजोरी, गल्ला हमेशा उत्तर दिशा में रखने चाहिए। नकदी तथा आभूषण स्वच्छ लाल वस्त्र में लपेटकर रखने चाहिए। बैंक की चेकबुक, पासबुक तथा डेबिट क्रेडिट कार्ड भी उत्तर दिशा के स्थान में रखने चाहिए। दुकान, ऑफिस या घर के उत्तर दिशा में रखी हुई तिजोरी या गल्ले में श्री यंत्र व कुबेर यंत्र भी रखने चाहिए। ऐसा करने से लगातार धन आगमन होता रहता है तथा व्यापारिक कार्यों के लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। धन संबंधी समस्या गृहस्वामी या दुकान मालिक को नहीं आती। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार।